तू मेरा दिल तू मेरी जान। नमस्कार, प्रेम साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बीते 7 महीने से हिरासत में रखे गए अपने बेटे उमर अब्दुल्ला से श्रीनगर की उप जेल में मुलाकात की। यह उप जेल हरी निवास में बनाई गई है, जो कि फारूक अब्दुल्ला के घर के नजदीक है। 7 महीने बाद जब दोनों पिता पुत्र मिले तो काफी भावुक नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जन सुरक्षा कानून यानी PSA के तहत अपनी हिरासत खत्म होने के बाद शुक्रवार को अपने घर पहुंचे थे और परिजनों के बीच खुद को पाकर खुशी जताई थी। शनिवार को वह अपने बेटे तथा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मिलने पहुंचे। उमर को जन सुरक्षा कानून के तहत 5 फरवरी से नजरबंद करके रखा गया है। 7 महीने बाद हुई मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगा लिया। अधिकारियों ने बताया कि 82 वर्षीय फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से अपने बेटे से मुलाकात कराने का अनुरोध किया था, जिसे प्रशासन ने स्वीकार कर लिया। अधिकारियों ने कहा कि दोनों की मुलाकात करीब 1 घंटे चली। उधर हिरासत समाप्त होते ही फारूक अब्दुल्ला से मिलने के लिए अन्य पार्टियों के नेता भी पहुंचने लगे हैं। शनिवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने फारूक अब्दुल्ला के घर जाकर उनसे मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं ने जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा की। आजाद पहले भी सरकार से गुजारिश कर चुके थे कि उन्हें नजरबंद नेताओं से मिलने दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। आइए देखते हैं फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात के बाद क्या कह रहे हैं आजाद। बहुत खुशी की बात है कि 7.5 महीने के बाद 7.5 महीने के बाद फारूक अब्दुल्ला साहब से मुलाकात हुई। 7 महीने फारूक अब्दुल्ला साहब को नजरबंद रखा गया, जिसकी वजह अभी भी हमें मालूम नहीं है। नजरबंद आम तौर पर उनको रखा जाता है जिन्होंने कोई खिलाफ वर्जी कानून की हो। खिलाफ हुकूमत के खिलाफ कोई जलसा जुलूस निकाला हो, लेकिन 1-2-370 को ख़त्म करने से पहले इनको और उमर साहब को और महबूबा जी को और बाकी सैकड़ों लोगों को लीडरों को अंदर रखा, तो खिलाफ वर्जी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आज यहाँ न सिर्फ अपनी तरफ से आया हूँ, अपनी तरफ से तो आया हूँ, हमारी जो दोस्ती और मोहब्बत और प्रेम प्यार तकरीबन 40-42 बरसों से है, 45 बरसों से है, जो हमेशा था हमेशा रहेगा। तो मैं अपनी तरफ से भी, अपनी पार्टी की तरफ से भी, और लोकसभा और राज्यसभा में उन तमाम MPs की तरफ से और उन तमाम पार्टीज की तरफ से भी आया हूँ जिन्होंने पिछले 7.25 महीनों से पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर आवाज उठाई। फारूक साहब, उमर साहब, महबूबा जी, कांग्रेस के दूसरे लीडरों, CPM के लीडरों, पैंथर पार्टी के लीडरों, छोटी मोटी दूसरी पार्टी के लीडरों, एक्स मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, MLA, MLCs, ऑफिस बियरस और आम शहरियों को जो जेल में रखा गया है, उनके लिए जो आवाज़ हमारे लोकसभा राज्यसभा के लोगों ने उठाई, उनकी तरफ से भी आज मैंने फारूक साहब को बताया कि किस तरह से हमारे अलग अलग सियासी पार्टियों के लोग तड़प रहे थे कि आप बाहर निकलें, और आज आप बाहर निकले हैं। ये बहुत खुशी की बात है। मैं जानता हूं कि आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। एक तो शायद कई सालों के बाद इतनी ठंड हुई, और उसके साथ आपकी उम्र और आपकी तबीयत को देखते हुए भी ये मेरे ख्याल में सरकार की तरफ से बहुत बड़ी ज्यादती थी जो उन्होंने आपके साथ की। लेकिन अल्लाह जिसके साथ होता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है।
अब आज मैं यही दुआ करूंगा, तवक्का करूंगा और जो बार बार हमने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर कहा है कि कश्मीर को अगर तरक्की करनी, कश्मीर जम्मू कश्मीर को अगर आगे बढ़ना, जम्मू कश्मीर में अगर हमें खुशहाली लानी, जम्मू कश्मीर की तामीर की चाबी लीडरों को तोते की तरह पिंजरे में बंद करने से नहीं होगी, लीडरों को छोड़ देना होगा, रहा करना होगा, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना होगा और पॉलिटिकल प्रोसेस से ही यहाँ इलेक्शन हो जाए और जो भी सरकार चुन के आई, जिसको जम्मू कश्मीर के लोग चाहेंगे वो मुख्तियार है अपनी सरकार, अपनी मर्जी की सरकार चुनने के लिए। जो 3 साल से न किसी सड़क पे काम हो रहा है, न किसी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, जिसकी वजह से बेपना बेकारी है, बेरोजगारी है, टूरिज्म ठप है, हैंडीक्राफ्ट ठप है, फ्रूट तो ख़त्म हो गया, दूसरे कारोबार एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स सब ख़त्म है, जम्मू में भी वहाँ का ट्रांसपोर्ट ख़त्म है, वहाँ का बिजनेस ख़त्म है, वहाँ के इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ ख़त्म है, कश्मीर की स्मॉल स्केल मीडियम स्केल जो इंडस्ट्रीज़ है वो भी ख़त्म है। तो इसलिए उसका सिर्फ एक ही इलाज है कि तमाम सियासी लीडरों को फौरी तौर पर रहा कर दिया जाए और एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया जाए और उस पॉलिटिकल प्रोसेस में जो यूटी है उसको भी ख़त्म किया जाए, स्टेट बहाल की जाए। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्टेट है, 1947 में 560 स्टेटों को मिलाकर 12 स्टेटें बनाई गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर एक अकेली स्टेट थी हिंदुस्तान में जिसके साथ कोई स्टेट मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अकेले अपने आप में इतनी बड़ी थी। मुगलों के ज़माने में एक स्टेट थी, महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने में स्टेट थी, और इतनी बड़ी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाना ये जम्मू कश्मीर के आवाम की तौहीन है और बेइज्जती। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी ही इन लीडरों को रहा करके और जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी को दोबारा से स्टेट बना दिया जाए। देखो पॉलिटिकल प्रोसेस तो डेमोक्रेसी में बुनियादी हुकूक। हिंदुस्तान दुनिया में अपने साइज के लिए मशहूर नहीं है, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में जमहूरियत के लिए लोकतंत्र के लिए मशहूर है, लेकिन ऐसा लोकतंत्र नहीं कि जहां 3-3 चीफ मिनिस्टर 3.5-7 महीने से जेल में हो और चौथा एक्स चीफ मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट की मर्जी से सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से आए जाए। तो अगर ये हाल है कि यहाँ एक्स चीफ मिनिस्टर भी अंदर जेल में रहें, मिनिस्टर भी जेल रहे हैं, जेलों में रहें, MLA MLC जेलों में रहें, सब अहदेदार जेलों में रहें, छोटी बड़ी पार्टियों के नेशनल या रीजनल, तो जमहूरियत कहाँ? तो सबसे पहली बात है जम्मू कश्मीर में जमहूरियत बहाल करना, टू रेस्टोर डेमोक्रेसी, दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग फॉर एनी पॉलिटिकल प्रोसेस टू स्टार्ट। ये ऐसी पार्टियाँ 47 साल में बड़ा प्रयास किया है, एजेंसी पार्टी से जम्मू कश्मीर नहीं चल सकती, लोगों की चुनी हुई सरकारों से जम्मू कश्मीर सरकार चलेगी, एजेंसियां पार्टी बनाएगी उससे जम्मू कश्मीर नहीं चलती है और न कोई हिंदुस्तान न जमहूरियत चलती है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 5 अगस्त को तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य से विशेष दर्जा वापस ले लिया था, जिसके बाद उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री और PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को भी हिरासत में ले लिया गया था। फारूक अब्दुल्ला की हिरासत खत्म की जा चुकी है, लेकिन उमर और महबूबा मुफ्ती अब भी PSA के तहत हिरासत में हैं।